जहां पूरा देश में लॉकडाउन है, वहीं लोग घर में बंद रहने पर मजबूर हैं। वहीं लोगों को खाने की सामग्री नहीं मिल रहा है, गरीब परिवार भूखे मरने के कगार में हैं। ये समस्या उन लोगों को ज़्यादा सता रही है जो रोज कमाते और खाते हैं, उनके पास खाने का सामान उपलब्ध नहीं है। ऐसे समस्या बेलगड़िया टाउनशिप न्यू झरिया में देखने को मिला। लोग हाथ में कटोरा और बर्तन लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने बजट पास कर दिया है, पर उनको सुविधा इन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पार्षद, विधायक और मेयर से मदद मांग रहे हैं, पर कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट पड़ता है, झरिया, सिंदरी और धनबाद के भी कुछ लोग हैं। नगर निगम क्षेत्र भी है, पर यहाँ आज तक नालियों का सफाई नहीं हो पाया है। जगह जगह कचरा जमा हुआ है और ना ही कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है। कहने को हर जगह सैनिटाइजर किया जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं होता है। लोग यहाँ आते हैं, अपनी राजनीति करते हैं और चले जाते हैं, पर यहाँ के लोगों पर ध्यान कोई नहीं देता है। 400 ऐसे परिवार हैं जिन्हें सरकार की सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है। इसी को लेकर यहाँ के लोग कटोरा बर्तन लेकर रोड पर उतरने पर मजबूर हैं। वहीं कुछ लोगों ने मिलकर गरीबों को चावल, दाल और जरूरत के सामान वितरण किए। ये राशन, हम लोग का राशन कार्ड नहीं है। हाँ, हम लोग कैसे मरेगा, भूखा मरेगा। डेली आप लोग काम करने वाले हैं? काम करने वाला, जो भी काम कर रहा था वो भी बंद कर दिया। क्या करेगा, देखिए यहाँ, देखिए।